नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर। मेरे चैनल एबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, कल से एक ही बात पे चर्चा हो रही है हर टीवी चैनल पे, हर ड्राइंग रूम में। ईडी ने सोनिया राहुल को समन क्यों भेजा है? क्या है गांधी परिवार से नेशनल हेराल्ड केस का नाता? और अचानक से इतनी बड़ी खबर, मंदिर मस्जिद जो अब इस मामले के सामने छोटी दिखाई दे रही है, और सोनिया और राहुल को भेजा गया नोटिस, इस समय बड़ी खबर बनता जा रहा है। पूरा मामला क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ कि नेशनल हेराल्ड क्या है, कैसे बढ़नी शुरू हुई सोनिया और राहुल की मुश्किलें, और कौन कौन इसमें मुख्य आरोपी हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी डिटेल में। आप पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि असलियत क्या है। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है। सोनिया गांधी को ईडी ने 8 जून को मध्य दिल्ली के अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। वहीं राहुल गांधी को आज यानी कि 2 जून को पेश होने के लिए कहा है। यहाँ मैं आपको ये बताती हूँ कि राहुल गांधी ने जांच एजेंसी को पेश होने में मुश्किल, यानी कि वो इस समय देश में नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस तारीख को 5 जून तक टाल दिया जाए क्योंकि वो इस समय देश में नहीं है। आप सभी जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है, और इसे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस न्यूज़पेपर को चलाने का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी के पास था। शुरू में इस कंपनी में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग काफ़ी हावी रहे, डोमिनेशन उन्हीं का था। करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से इस न्यूज़पेपर को बंद करना पड़ता है। तब कांग्रेस ने AJL पार्टी को फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडिया नाम से एक नई कंपनी बनाई। यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल को दिए गए लोन के बदले में कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल गई। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी को 38% की हिस्सेदारी है। वहीं बाकी का शेयर मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें सोनिया और राहुल की मुश्किलें क्या हो सकती हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में 2012 में एक शिकायत दर्ज की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कई लोगों पर धोखाधड़ी व साजिश रचने और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कोष का गबन करने का आरोप लगाया था। स्वामी ने यह आरोप भी लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए केवल 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो AJL पर कांग्रेस का बकाया था। 2 साल के बाद 2014 में कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। इसके बाद अगस्त में ईडी ने मामले का संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सोनिया और राहुल गांधी ने 2015 में अलग अलग 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि अदा करने के बाद दिल्ली की पटियाला कोर्ट से जमानत हासिल की थी, और इसके अगले साल यानी कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी, लेकिन कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आरोपी जो हैं वो कौन कौन हैं। इसमें आरोपी हैं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, पार्टी के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल फरवरी में स्वामी की याचिका पर सोनिया राहुल को उनके जवाब के लिए नोटिस जारी किया था। यह नोटिस सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। ये ट्रायल कोर्ट स्वामी की उस याचिका को ट्रायल कोर्ट ने स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी और उनके बेटे तथा और जो आरोपी हैं से सबूत पेश करने की मांग की थी। इसके बाद स्वामी ने इस आदेश के खिलाफ 19 फरवरी
को हाई कोर्ट में फिर से याचिका लगाई। इसके एक हफ्ते के बाद ट्रायल कोर्ट ने यह कहा कि सांसद की सबूत पेश करने की मांग करने वाली याचिका पर पूरे मामले की जांच पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा। ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून और राहुल गांधी को आज यानी कि 2 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया, जिस पे कल से ही चर्चा जारी है। ईडी के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान दर्ज करना चाहती है। ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ कर वित्तीय लेनदेन यंग इंडियन के प्रवर्तकों और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की भूमिका के बारे में पता लगाना चाहती है। ईडी ने जांच के तहत हाल के कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। ये मामला कांग्रेस समर्थित यंग इंडियन में वित्तीय अनियमितता की जांच के सिलसिले में हाल में दर्ज किया गया था और एक निचली अदालत की ओर से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लेने के बाद एजेंसी ने PMLA के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया था। तो दोस्तों, ये थी बात सोनिया और राहुल को नोटिस जारी होने की। अब सोनिया को 8 जून को पेश होना है कोर्ट में और राहुल को आज होना था, लेकिन राहुल आज आउट ऑफ कंट्री हैं, देश में नहीं हैं। उन्होंने अपना एक लेटर दे दिया है। तो आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या है उनकी किस्मत में, और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सरकार उनके पीछे पड़ गई है, सरकार ने जो कदम उठाया है वो हवा में तो उठाया नहीं है, वह सोच समझ के उठाया है। तो आप लोग क्या कहते हैं इस मामले में, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मेरे कमेंट सेक्शन में। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपके साथ किसी और खबर के साथ, किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।